हेलो दोस्तों, हिंदू गुरु गोयल गार्डनिंग आइडियाज़ एंड टिप्स में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जसवंत, हिबिस्कस, गुड़हल के जो फूल आप देख रहे हैं बड़े साइज़ के और पीले रंग के, इतने बड़े फूल आप कैसे प्राप्त करें ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। इतने वीडियो ये फूल जो है बड़े साइज़ का और बहुत ज़्यादा मात्रा में आसानी से आप घर पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये पौधा देख रहे हैं जिसका बहुत बड़ा हो गया, जिसमें एक भी कली नहीं है, एक भी फूल नहीं है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक छोटे से पौधे में मैंने बहुत सारी कली और फूल है, तो उसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बहुत बड़ा पौधा है लेकिन इसमें एक भी कली नहीं है, एक भी फूल नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ा हो गया है, तो इसमें फ्लावर लाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, एक और है मेरे पास में, ये भी बड़ा हो रहा है लेकिन इसमें भी एक भी कली, एक भी फूल नहीं है। ये भी गुड़हल का पौधा है, हिबिस्कस का है, जसवंत भी बोलते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये छोटा सा पौधा है, इसमें कितने बड़े फूल हैं। ये इतने बड़े फूल प्राप्त करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। देखिए कितनी सारी कली हैं इसमें, ये देखिए कितनी सारी कली भी आ रखी है। ये पीले रंग का है, बहुत लकी होता है घर के लिए, गुरुवार को इसे भगवान को चढ़ाना चाहिए। और ये लाल रंग का है जो कि गणेश भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आइए मैं आपको इसके पौधे का ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने का तरीका जो है वो बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, इसमें से जो एक्स्ट्रा आपकी जो इसमें फूल आ चुका है उसको काट देना चाहिए। मैं आगे आपको काट के भी दिखाऊँगा, इस टाइप की जो बर्ड्स जिसमें फूल खिल चुके होते हैं उसे काट देना चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो तरीका जिससे कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। इसके तीन तरीके होते हैं, एक एक हफ्ते में तीन चीज़ें इसमें डालनी चाहिए। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो आइए देखते हैं गार्डनिंग आइडियाज़ और टिप्स का। ये पहला तरीका, ये कॉफ़ी है, 2 रुपये का पाउच आप मार्केट में मिलता है, बहुत आसान तरीका है। 2 रुपये में आपको मैं बताऊँगा कॉफ़ी को। दोस्तों, 1 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। ये 1 लीटर पानी में हम जो कॉफ़ी घोल रहे हैं इसको कुछ हिलाना नहीं है, मिलाना नहीं है, बस इसी प्रकार कॉफ़ी का पाउच खोल करके उस पानी में डाल दीजिए। ये जो पानी आप ले रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखें कि ये स्वच्छ निर्मल पानी होना चाहिए, बोरिंग का ना हो, नल का होगा तो बहुत अच्छा होगा, या फिर फिल्टर का पानी लीजिए जिससे कि कॉफ़ी आसानी से घुल जाए। और इसमें 0.5 लीटर आप एक पौधे में आप इसमें डाल दीजिए। इसमें कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है जिससे कि इनको बढ़त में और फूल आने में वृद्धि मिलती है। तो देखिए, मैंने ये 2 पौधों में डाल दिया है और जिसमें फूल आ चुके हैं उसमें मैंने पहले से डाल के रखा है, इसलिए उसमें नहीं डाल रहा हूँ। और आइए मैं इसके बाद प्रूनिंग का तरीका भी बताऊँगा, कटिंग कैसे करते हैं, तो मेरा पूरा वीडियो देखिए। मैंने कटिंग का तरीका आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कटिंग किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए, मेरे फूल बहुत सुंदर है, मेरे को बहुत पसंद है और बहुत छोटे से गमले में मैंने लगाए हैं और बहुत बड़े साइज़ के हैं। तो देखिए, ये एक्स्ट्रा जो जिसमें फ्लावर्स आ चुके हैं, ये डंडियों को खुली नहीं छोड़ना चाहिए, इनको काट देना चाहिए कैंची की मदद से या प्रूनर की मदद से, इनको काट देना चाहिए। और आगे वीडियो में आपको मैं 2 तरीके और बताऊँगा इसमें ज़्यादा फ्लावर, और 3 दिन तक आपको फ्लावर कैसे इसमें मिले, 3 दिन तक आपके जो गुड़हल के, हिबिस्कस के जो फ्लावर्स हैं जसवंत के, आपको किस प्रकार मिले वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने कटिंग कर दी है। अपने आने वाले 2 वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा दिन तक कैसे फ्लावर आएँ और आपके जो फूल की कली जो आती है वो झड़ जाती है, तो वो झड़ने से बचाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, मेरे पास 2 प्यारी सी कली थी जो झड़ गई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ प्लांट की कमजोरी के कारण झड़ी है, तो ये कमज़ोर प्लांट को मजबूत बनाने का जो तरीका है वो बताऊंगा। देखिए, ये प्यारी सी मेरी कली, मेरे को कितना दुख हो रहा है मैं बता नहीं सकता, तो इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे, मतलब इसमें कली ज़्यादा दिन तक कली आपकी टिकी रहे अच्छे से और फ्लावर्स मिलते रहें आपको, और बहुत ज़्यादा संख्या में आपको और बड़े साइज़ के फ्लावर मिले, इसका तरीका मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों।